कार्टून टीवी। ड्रैगन का भूत। बहुत समय पहले की बात है, एक भूखी प्यासी लोमड़ी भटकती हुई किसी जंगल में पहुंचती है। वो पूरे जंगल में घूमती है लेकिन उसे एक भी जानवर नजर नहीं आता। खाली जंगल देखकर लोमड़ी सोच में पड़ जाती है, क्या यहाँ कोई नहीं रहता? वैसे अच्छा ही है, अब यहाँ का सारा खाना और पानी मेरा होगा और मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लोमड़ी खुशी खुशी जंगल में घूमने लगती है और पेट भरकर खाना खाती है। कुछ देर बाद जब वो थक जाती है तो वही एक पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उठते ही उसे भूख लगने लगती है। वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगती है लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कल तक तो इस जंगल का लगभग हर पेड़ फल से लदा हुआ था और आज अचानक सभी फल कहाँ गायब हो गए। इसी असमंजस में लोमड़ी उदास होकर तालाब की तरफ जाती है और पानी पीकर अपना पेट भर लेती है, जिसके बाद वो जंगल में घूमने निकल जाती है। पूरा दिन जंगल में यहाँ वहाँ भटकने के बाद दिन के अंत में उसे एक पेड़ के पास कुछ फल गिरे हुए दिखते हैं। अरे वाह, आखिरकार आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इसके बाद लोमड़ी जल्दी से पेट भरकर फल खा लेती है और फिर अपने पेड़ के पास जाकर आराम से सो जाती है। अगली सुबह उठते ही वो सबसे पहले तालाब पर जाने का निर्णय लेती है। आज सबसे पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि खाने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। ओफो, ये जंगल कैसा है? यहाँ खाना और पानी भले ही आसानी से मिले लेकिन उन्हें पाने के लिए मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ती है। शायद इसलिए कोई जानवर यहाँ नहीं रहता। ये सब बोलते हुए लोमड़ी कुछ ही देर में तालाब तक पहुँच जाती है लेकिन जैसे ही वो तालाब का नजारा देखती है तो एकदम हैरान रह जाती है। हैं? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो पानी से लबालब भरा हुआ था ये तालाब, आज अचानक सूख कैसे गया? जंगल में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं से परेशान लोमड़ी अपना पेट भरने के लिए फल वाले पेड़ की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर में जब वो उस पेड़ के पास पहुंचती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। अरे, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कभी पूरे जंगल के फल गायब हो जाते हैं तो कभी पानी से भरा तालाब रातों रात सूख जाता है। कहीं कल ये जंगल ही गायब ना हो जाए। लोमड़ी खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस बात को नजरअंदाज करके वो वापस अपने पेड़ के पास आकर बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। रात में जब लोमड़ी की नींद खुलती है तो वो अंधेरा देखकर घबरा जाती है। हाय रब्बा, मैंने दिन में सोने की गलती कैसे कर दी? ये जंगल दिन में जितना खूबसूरत लगता है रात में उतना ही ज्यादा खौफनाक दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? वो ये सब सोच ही रही होती है कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर लोमड़ी चौंक जाती है लेकिन वो हिम्मत करके आवाज का पीछा करती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बहुत बड़ी परछाई नजर आती है जिसके मुंह से आग निकल रही होती है। ये देखकर लोमड़ी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन परछाई उसके कदमों की आहट सुन लेती है। कौन है वहाँ? सामने आओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। परछाई की धमकी सुनकर लोमड़ी डरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर लोमड़ी को वहाँ एक ड्रैगन खड़ा हुआ नजर आता है। लोमड़ी को वहाँ देख ड्रैगन चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जंगल में तो कोई जानवर नहीं रहता। मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
मैं बहुत समय से अकेला रह रहा हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि अब मेरे साथ यहाँ कोई और भी रहेगा। लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों रहते हो? क्योंकि आसपास के जंगल में सभी जानवरों को ये लगता है कि मैं भूत हूँ। इसी वजह से कोई भी जानवर इस जंगल में रहने नहीं आता। आप तो जीवित हैं, फिर सभी जानवर आपको भूत क्यों समझते हैं? एक रात मुंह से आग निकलते हुए मेरी परछाई कुछ जानवरों ने देख ली थी, जिसके बाद उन्हें ये लगा कि यहाँ कोई भूत रहता है, और तब से सभी जानवरों ने इस जंगल में आना बंद कर दिया। क्या तुम मेरी दोस्त बनकर यहाँ रहना पसंद करोगी? ड्रैगन की कहानी सुनकर लोमड़ी को अपने साथ बीती सभी बातें समझ आ जाती हैं और वो ड्रैगन के साथ दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बनकर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।